प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 10 गणित जो बहुपद चैप्टर लेकर चल रहा हूँ, बहुत ही सरल है। इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दे रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही धमाकेदार हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसमें ये परवलय के रूप में बना हुआ, किसके रूप में? परवलय के रूप में। जितने परवलय के रूप में है वो द्विघात बहुपद हैं। तो इसकी शेप ही परवलय नीचे है, इसके ऊपर है, इसकी नीचे है, और इसमें द्विघात बहुपद क्यों नहीं? एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? डी वाला बिल्कुल ही ऑप्शन सही है। समझ पाए बेटा? अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं हम, दूसरा। इसमें पूछ रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस तीन के शून्य कहें। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? तो गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस तीन, पी एक्स बराबर मान लिया मैंने, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस तीन एकम तीन एक्स प्लस के एक एक्स माइनस तीन। तो यहाँ पर एक्स कॉमन एक्स माइनस तीन प्लस का एक एक्स माइनस तीन, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस के वन और एक्स माइनस के तीन। जब शून्य कहें, जब बहुपद का यानी के शून्य है तो पी एक्स बराबर शून्य। तो यहाँ पर हो जाएगा शून्य बराबर, या ऐसे लिख दो इधर के लिए, एक्स प्लस के वन एक्स माइनस तीन बराबर शून्य। एक बार इसे ले लेते हैं, एक्स प्लस के वन बराबर शून्य तो एक्स बराबर माइनस वन, और एक्स माइनस तीन बराबर शून्य तो एक्स बराबर तीन। तो इसके शून्य कितने होंगे? शून्य इसके होंगे कितने होंगे? माइनस के एक कामा तीन, माइनस के एक कामा तीन। तो हमारा सी वाला राइट ही आंसर है। दिखाई दिया? सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगर नहीं है तो इसमें चेक कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक में देखो, शॉर्ट ट्रिक है क्या? टी आर आई सी के। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस तीन, तो इसमें एक्स बराबर कितना भर दो? माइनस भर भर दो। देखो इसमें तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस के दो और माइनस का एक और माइनस के तीन, तो ये वन और माइनस के माइनस प्लस के दो और माइनस के तीन, और तीन माइनस तीन क्या हो गया? शून्य। तो इससे ही क्लियर हो गया। इसी प्रकार हमारा एक्स बराबर माइनस वन रखा मैंने, इसमें चेंज कर लेते हैं, इसे देखते ऑप्शनों से है, तो माइनस इसी प्रकार तीन शून्य कर देगा। तो हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बोलो, समझ में आया? क्लियर हुआ? धन्यवाद आपके लिए भाई। अगला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, रफ करें इसके लिए पहले। अब हम अगला लेके चल रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखो, जे है हमने स्लिप बनाई आपके लिए। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अब द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितने लोगों को मालूम है? मालूम तो बताइए भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे ज्यादा बड़ी घात द्विघात बोला। क्या बोला? द्विघात जिस पर सबसे बड़ी घात दो हो। जब दो है तो शून्य कितने होंगे? तब शून्य कितने होंगे? दो होंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी दो घात है, इसलिए द्विघात बहुपद शून्यों की संख्या कितनी होगी? दो होगी।
कितनी होगी, दो होगी। क्लियर हुआ? तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए क्लियरिटी लाने के लिए। आगे देखिए अगला सवाल, मैं रफ कर रहा हूँ, हमने क्वेश्चनों की स्लिप बनाई हुई है। अब क्वेश्चन देखो चौथा अपना, तो चौथे में क्या है, अब यहाँ पर है चौथा शून्य। देखिए आप, शून्य के -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, देखो भाई, EX²-शून्यकों का योग इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणन। ठीक, अब एक शून्य दिया है -3, तो EX²-3 प्लस के 4 योग हो गया, EX प्लस के माइनस के 3×4। देखो EX², 4 में से माइनस का चिन्ह, तो कितना हो गया बताओ भाई, तो एक बचा इसमें, 4 में 3 गए 1 और 4 3 12, तो हमारा जो हो जाएगा EX²-X और माइनस के 12। मगर इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा, अब क्या करें, अब क्या करें भाई, जब इसमें कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है तो हम इसको यहां देखो 2 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 2 से भाग, तो EX²-2 - X²2 प्रत्येक पद में लिखना, प्रत्येक पद में 2 से भाग, तभी हो जाएगा 2 छंग 12 बटे 2, 2 छंग 12, क्या बन जाएगा, EX²-2 X/2 - 6। कहीं मिला आपके लिए, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, C4 चेन्नई, ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हुआ आपको, बोलो। थैंक यू बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हमारे भी जो दर्शक इसको देख रहे हैं हमारे चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं, और आप लोगों के सहयोग से 1000 सब्सक्राइब से ऊपर हो रहे हैं, और चैनल को आधे इससे ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए, आपकी सफलता हमारी सफलता पहले है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ, देखो भाई, अब हम क्वेश्चन 5वां लेते हैं, देखो भाई, इसमें है -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या, तो इसमें फिर वही सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र, वही है EX², मूल शून्यकों का योगफल इंटू यक्स शून्यकों का गुणनफल इंटू गुणनफल। तो जहां एल्फा, यहां लिख देते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग, और एल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणन, चाहे एल्फा ये पहला शून्यक ये दूसरा शून्यक, ठीक है, इसे पहला शून्यक मानते हैं, इसे दूसरा शून्यक मानते हैं, क्लियर हुआ। अब इसमें हम मान रखते हैं EX²-2 + 5 एल्फा बीटा इंटू यक्स प्लस के माइनस के 2 और 5, तो एल्फा EX²-5 में थे 2 गए -1, यानी यहाँ 3 x हो जाएगा और -10,
तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10, तो शून्य के इसमें कहा शून्य के माइनस 2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या, बहुपद तो बहुत हो सकते हैं, यदि इनके गुणांक बदल दिए जाएं, यहां होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए कामा बी वास्तविक कामा सी, सी अचर पद है, ए कामा बी वास्तविक वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है संख्याएं हैं, सी अचर पद है, ये भी कोई संख्या है, तो वास्तविक संख्या ये भी कोई संख्या है, तो इनके मान बराबर बदलते रहेंगे तो हमारे बहुपद बहुत हो जाएंगे, ये दो ही नहीं रहेंगे, तो यहां बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होगी। भाई हमने ए बराबर कर दिया 2, बी बराबर 4, सी बराबर 5, बहुपद बदल गया गुणांक, तो ऐसे कई बना बना सकते हैं, बहुत से बना सकते हैं, तो यहाँ डी फॉर डेनमार्क, डी फॉर डेनमार्क वाला बिल्कुल योर राइट ऑप्शन है, 3 से अधिक हो सकते हैं बहुपद, कितने होते हैं 3 से अधिक, क्लियर हुआ। अच्छा अगला एक क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखते हैं, तो तीसरा अब छठे क्वेश्चन को आ रही भाई, चलो हम बता रहे हैं यहीं पर, देखो यहां पर बोलिए एक सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 में बहुपद बहुपद में बहुपद के शून्यकों का योग और गुणन, ये क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए, गुणन ज्ञात कीजिए, ठीक ये छूट रहा था एक सब उससे, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है शून्यकों के योग फल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो गुणा करने वाला अंक, ये गुणांक इसमें 1 है इसमें 3 है, तो माइनस के 3/1, शून्यकों का गुणन फल इसे अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, इसमें होता है सी अपान ए यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ पाए, तो इसमें हो जाएगा सी का मान है 5/1, 5/1, ये सवाल हमने अपने स्तर से बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, संख्या बदल सकती सवाल ऐसा ही रहेगा, ठीक है बेटा। अगला सवाल है इसमें एक नया, यह द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शून्य के बराबर हो तो सी, तो इसके ऑप्शन दिया है, तो इसमें पहला ऑप्शन सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, सी और बी एक ही चिन्ह के हैं, तो हम यहां पर लगाते हैं जब जब उसने कहा शून्य के बराबर, जब शून्यक जब द्विघात, जब द्विघात शून्यक बराबर हैं तब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो क्या हो है? इसके बराबर शून्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए, क्लियर हुआ। तो अब इसमें समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, उसने एक कंडीशन हो कि सी इज नॉट जीरो, सी के बराबर जीरो नहीं ले सकते हैं, तो देखो भैया तो इसमें ए का मान भर दो, इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर जीरो, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, AC बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे फोर। बोलो, जो AC ग्रेटर देन जीरो से है, तो जब जो तो तभी संभव है ये, जो तभी संभव है जब ए तथा सी समान चिन्ह को, कैसे हो, समान चिन्ह के हो। ठीक, तो ऐसा कौन सा, ए और सी एक ही चिन्ह को, ए और सी कौन से हो, एक ही चिन्ह के हो, तो विकल्प हमारा सी वाला बिल्कुल ही सही है। ये सी है और ये ए है, सी और ए की चिन्ह को हो। आज का वीडियो कैसा लगा है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई समस्या आए उसका समाधान जरूर करेंगे। तो हमारा नंबर है 7752, यहाँ लिख रहा हूँ 7752 7512 91 0482। ठीक है, आप इस पे हमको कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं किसी समस्या के लिए। कमज़ोर हो तो अपनी कमजोरी बताइए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। बोर्ड परीक्षा में आपके आप बिल्कुल साथ देंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।